I'm joined by Anurag Thakur. The BJP has just now released its election manifesto. Anurag ji, एक अहम बात थी जो 11 commitments की बात, उसमें पहली commitment थी uniform civil code, जो कि अगर BJP की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में तो उसको implement किया जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी इसको शुरू में? पहला ज़रूरत की बात नहीं, हमारा विचारधारा है जी। हमने बहुत पहले से कहा था कि धारा 370-35 से हटाएंगे, हटा दी। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना रहे हैं। हमने कहा ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिला दिया। हमने कहा था सुशासन और विकास देंगे, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन दिया है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, और हिमाचल में तो जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू भी करके दिखाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ पॉपुलिस्ट स्लोगन्स की भी बात हो रही है, जैसे कि फ्री साइकिल, स्कूटीज। हालांकि जेपी नड्डा साहब ने कहा कि एलोरमेंट और एम्पावरमेंट में फ़र्क है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? उन्होंने कर दिया बहुत अच्छे तरीके से कि जो जो पॉपुलिस्ट स्लोगन है जैसे स्कूटर, उन्होंने बहुत अच्छा तरह से कहा। किसान सम्मान निधि 6000 रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, 3000 रुपया हमारी राज्य की सरकार देगी। इससे किसान का खर्चा कम होगा, उसका मुनाफा ज़्यादा होगा, लेन की लागत कम, मुनाफा ज़्यादा होगा। और हम पहले से कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, लागत प्लस 50% मुनाफा हमने पहले दे दिया, उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फसलों पर 65-70% से ज़्यादा भी हम लोग मुनाफा दे रहे हैं, तो इसलिए किसान की आय बढ़े, लगातार प्रयास चल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम पे कोई कमिटमेंट नहीं दिखने को मिली? ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने वापस की थी जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार 2012-17 तक बनी, ये फिर भी नहीं लाए। अब सत्ता में आने के लिए पहले की तरह ये झूठे वायदे भी करते हैं। एक बार इन्होंने कहा था हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। फिर 2012 में इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अब 17 में नया फॉर्म प्रिंट करा के ले आए। ये कांग्रेस तो, इस पे विश्वास कोई तो नहीं करता। से बोल रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे विश्वास कौन करता है जी? 10 साल इनकी केंद्र में सरकार रही, 10 साल प्रदेश में रही, तब नहीं किया इन्होंने तो वापस करने का काम किया था। हमने तो NPS में भी 10-14% करने का काम हमने किया था। अब भी OPS पे कमेटी बनाई है, उसके इंतजार। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, वो नहीं आए हैं कैंपेनिंग में हिमाचल प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं आप? टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर भारत जोड़ो यात्रा करेंगे तो संदेश सबको पता चल रहा है क्या कर रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने का काम करते थे उसको राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में लेके चल रहे हैं, तो क्या जोड़ने जा रहे हैं? एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग है तो इधर प्रियंका जी ने जोड़ पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कितना फैक्टर है? दुकान कब की बंद होगी जी आम आदमी पार्टी की? वो तो ताला लगा के बहुत पहले चले गए, क्योंकि पंजाब में भी 3 महीने में 70 से ज़्यादा की हत्याएँ हो गई। उनके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दे गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी की दुकान बड़ी तेजी से बंद हो रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई रोल होगा, जिससे ये हिमाचल एक स्विंग स्टेट है, दोबारा से आपको लगता है अपहिल टास्क है? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा काम किया है भाजपा की ये जो डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी। ऑब्वियसली टेलिंग अस दैट द बीजेपी हैज स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, एंड ही सेज दैट बीजेपीज मैनिफेस्टो इज वेरी क्लियर, व्हाइल कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी डू नॉट स्टैंड अ चांस, बट वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द पोलिंग, द इलेक्शन कैंपेनिंग इज रियली पिक्ड अप इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन शिमला विद हारिस तोगो, जफर इकबाल फॉर मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.